फ्रेंड्स, मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चावल का आटा बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है और इसे बना करके आप एयर टाइट डब्बे में बाहर रखिए। ये आपको 6 महीने तक आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं। और इस आटे को आप पकौड़े बनाइए या किसी डोसा को या किसी चीज को अगर क्रिस्प बनाना है तो उसमें इस चावल के आटे को यूज कर सकते हैं। ये बहुत जगह आपको हेल्प करेगा क्रिस्पीनेस देने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने फीडबैक कमेंट मुझे जरूर दीजिए। बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने ये चावल लिया है। चावल को क्या किया कि इसको धो के 2 से 3 पानी में धो करके हमने इसको पेपर पे या किचन टॉवल पे डाल करके अच्छे से इसको फैन के नीचे इस तरह से सुखा लिया है। ये हल्का मॉइस्ट है चावल में, पूरी तरह से सूखा नहीं है। बस इसको टच करने पे पानी नहीं हाथ में लगता है। और इस तरह से आप ड्राई कर लीजिए और उसके बाद आपको चावल का आटा बनाना है। एक मिक्सर जार लीजिए। जार में चावल को अच्छे से पाउडर के फॉर्म में तैयार करना है। ये काफी अच्छा सा पाउडर बन करके रेडी हो गया। देखिए एकदम ही स्मूथ अच्छा सा पाउडर, होममेड आपको चावल का आटा मिल गया। एकदम ही देखिए इस तरह से पाउडर है। फिर भी एक बार क्या करेंगे, इसे हम छान लेंगे, इस तरह का स्टेनर लेंगे और इसमें हम छान लेते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन करके मिलेगा। इसे आप बहुत ही आराम से कहीं भी कोई भी क्रिस्प बनाना हो, इसे हम दोबारा पीस लेंगे या इसे फेंकेंगे नहीं, इसे हम पानी डाल करके और फिर इसको पीस करके पेस्ट बना करके हम किसी पकौड़े में या सब्जी में भी डाल सकते हैं, जिससे कि सब्जी हमारी थोड़ी थिक होगी ग्रेवी। तो चलिए देखिए बन करके ये रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन गया है। को हम एक प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा आटा, चावल का आटा रेडी हो गया। बहुत से न्यू कमल जो है उन्हें नहीं पता है, वो लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि चावल का आटा हम कैसे घर में तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बना करके दी हूँ, आप इसे फॉलो कीजिए और आप कोई भी पकौड़े में, स्नैक्स में डालिए या कोई नमकीन बना रहे हैं क्रिस्पी उसको करना है तो उसमें 2 चम्मच अपने क्वांटिटी के हिसाब से चावल का आटा यूज कीजिए। ये बन करके रेडी हो गया।